हरे हरे जी बेगम साहब। अली को मेरा नंबर तुमने दिया? तुमने क्या किया? आपको अली भाई अच्छा नहीं लगता? जब एक लड़की की शादी हो जाती है ना, तो उसे कोई भी अच्छा नहीं लगता। आपने साहब से शादी क्यों की है? आपको अली भाई से शादी करना चाहिए था, वो बहुत फिक्र करता है आपका। तुम नहीं समझोगे, तुम जाओ। शाम की सुरमई शाल ओढ़े हुए, याद की खिड़कियां बाल खोले हुए, तेरी राहों में आंखें बिछाए हुए। ये चूड़ियां लेके आया था मैं, तुम्हें पसंद है ना ये चूड़ियां? प्लीज पहन। बहुत छोटा था मैं, बहुत बहुत छोटा, कानों में आवाज आती थी मेरे। बाबा मामा कहते थे भाई इस घर की बहू तो सिर्फ और सिर्फ एमन बनेगी, बस ये फाइनल है हमारी तरफ से, और नहीं हो सकता कुछ। अली के साथ भागना चाहती थी? नहीं। आपको खबरदार, किस कदर जी हाँ, ये आपका अपना घर है, आप जब चाहे आए। हाँ हाँ, मैं आपका इंतजार करूंगी, आपकी कॉल का इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। मामा फ्रूट्स लेके आऊं? रहने दो सुनहरा, मुझे मरीज समझना छोड़ दो। किसकी कॉल थी? तुम नहीं जानती। ऐसे कौन आपके जानने वाले हैं मामा जिनको मैं नहीं जानती? जब आएंगे तो पता चल जाएगा तुम्हें खुद ही। खुद भी मामा, कुछ तो बताएं कौन था। कुछ लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। मामा बस सुनहरा, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी और ना ही तुम्हें किसी साये के पीछे भागने दूंगी। साया? सुनहरा, अली महज एक साया है, अपने आप को धोखा मत दो। क्यों कह रही है ऐसा?
जो कह दिया ना वो जरूरी है तुम्हारे लिए। क्यों कह रही हूँ ये जानना जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए। क्या हाल किया ना तुमने, सारी घास देखो सब सूख गई है। तुम बिल्कुल ख्याल नहीं रखते आप गुलखान। इधर आओ, इधर आओ, पहले इधर पानी डालो सारा। रोज पानी दिया करो, दिन में दो दफा। उधर भी, उधर भी, कितना गंदा सब कुछ हो रहा है। हाँ ठीक से, क्या कर रहे हो, इधर डालो यहाँ पे। क्या किया? आइंदा तो मुझे यहाँ पे नजर है, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। मैं बात समझ में नहीं आती, मैंने तुम्हें कहा था ये मुझे आइंदा यहाँ पे नजर नहीं आएगा, फिर ये क्या कर रहा है यहाँ पे? लेकिन नहीं, तुम भी तो मजबूर हो, क्या करो, कि ये तुम्हारे और तुम्हारे आशिक के दरमियान मैसेंजर जो बना हुआ है। ये क्या कह रहे हैं आप बकार, वो मासूम है, उसे कुछ भी नहीं पता। झूठ मत बोलो, मैंने उसको अली के साथ देखा है, सब जानता हूं मैं। बता रहा हूं आइंदा मुझे यहां पे नजर आया मैं इसे जान से मार दूंगा, और हर उस शख्स को जान से मार दूंगा जो तुम्हारे और तुम्हारे आशिक के दरमियान ब्रिज बनने की कोशिश करेगा। अली भाई, अली भाई, गुलखान क्या हुआ? आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, क्या हुआ? बैठो, आराम से बैठ के बात करो। अली भाई वो मार देगा। किसे मार देगा, किसकी बात कर रहे हो? बेगम साहब को मार देगा वो। चलो मेरे साथ। वो दोबारा मुझे यहां पे नजर आया, मैं तुम्हारा भी कत्ल कर दूंगा। तुम ठीक हो? क्या किया इसने तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। कुछ नहीं किया, तुम जाओ यहां से। अगर ईमन को कोई भी नुकसान पहुंचा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अली तुम्हें लगा वैसे, तुम जा क्यों नहीं रहे, जाओ। सुन लिया तुमने, यही सुनना चाहते थे ना तुम, सुन लिया। अब दफा हो जाओ यहां से बिफोर आई कॉल द पुलिस। इश्क क्या है पास हो, गेट लॉस्ट, निकल यहां से। दूर रहना जिंदगी है, धूप छाओ के दरमियान जीना। हम यही है कहीं, तू जहां मैं वहीं, हर जगह, हर जगह। ये है तुम्हारा मासूम आशिक। तुम कहती थी ना गुलखान मासूम है, देखो वो मासूम कैसे भाग के तुम्हारे आशिक की तरफ गया है, बिल्कुल फारिग तुम और तुम्हारे आशिक की तरफ।
देखो सुनहरा, अली सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त समझता है, इसके अलावा वो तुम्हें किसी किस्म का कोई हक नहीं देना चाहता। ये सब अली ने कहा है आपसे? सुनहरा, तुम्हारे फोन पे उसकी कॉल आ रही थी जो कि मैंने अटेंड की। मेरे बोलने से पहले वो इतना कुछ बोल गया कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकी। सुनहरा, तुम इसे झूठ बोलती हो ना कि अली से तुम्हारा रिश्ता है? एमन और अली का आपस में क्या रिश्ता है? क्या मतलब? वो नाराज हो रहा था कि तुम्हें उसकी अम्मी से एमन के बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए था। क्या? लेकिन नजमा आंटी तो एमन को जानती तक नहीं है। ओ, अब समझ में आया, नजमा आंटी ने मुझसे झूठ बोला है। वो एमन को पहले से जानती है, तभी वो एक दिन एमन के जिक्र पे चौंक भी गई थी और बहुत दिलचस्पी लेके एमन की तस्वीरें देख रही थी। अच्छा खैर, छोड़ो सब बातों को, अब तुमने अली से किसी किस्म की कोई बात नहीं करी। कहो। सर्वकार घर पे नहीं है, मैंने तुम्हें इसीलिए फोन किया है। देखो अली, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है ना, तो यहाँ से बहुत दूर चले जाओ प्लीज। घर तुम्हारा नाम सुनते ही इतने जुनूनी हो जाते, किसी दिन मेरा कत्ल कर देंगे यहाँ पर तुम्हारा। नफरत करते हैं वो तुमसे। नफरत तो वो तुमसे भी करता है, जानती हूँ मैं। तुम्हारे यहाँ से जाने से वो नफरत खत्म हो सकती है। अपनी जान की परवाह नहीं है मुझे, लेकिन मैं यूं तुम्हें उस इंसान के रहमो करम पे छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो मेरे शौहर है, मुझसे मोहब्बत का भी इख्तियार रखते हो, नफरत का भी। लेकिन तुम्हारे पास कोई भी इख्तियार नहीं है, समझे तुम? अगर वो मेरे टुकड़े भी कर देना तो प्लीज मेरे घर का रुख मत करना। मैं हर हाल में रहने के लिए तैयार हूँ उनके साथ, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही? मैं मां बनने वाली हूँ उनके बच्चे की। एमन, तुम्हें कब कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे के बाप को छीनना चाहता हूँ? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम सबको सच बताओ, घर वालों को सच बताओ। एटलीस्ट वो तुम्हें तुम्हारे हक पे जायज मकान दे यार, तुम्हें यूँ तनहा ना समझे। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रही कि मुझे तुम्हारे डिक्टेशन की जरूरत नहीं है? मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं, समझे तुम? तुम्हें जरूरत बेशक ना हो, लेकिन एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें यूँ तनहा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मत समझो तुम। अब मैं खाला से ही बात करूंगी, वो ही जो तुम्हें समझा सकती है, मेरा घर बचा सकती है। हेलो एमन। इश्क क्या है, पास हो के भी दूर दूर रहना, जिंदगी है के दिल में आन जीना। मुझे ना आपका सब्र देख के बहुत गुस्सा आता है भाई। और इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ? अब वो फोन नहीं करेगा तो हम इंतजार करते रहेंगे। आशिमा, आपने कहा था कि आप फोन करेंगे, करें ना उससे फोन। किया तो था फोन। फिर क्या कहा उसने? भाई मैंने खैर खैरियत पूछी, फिर पूछा कि कब आ रहे हो, कहने लगा कि बहुत जल्दी आ जाऊंगा। एमन के बारे में बात नहीं की है आपने उससे? नहीं नजमा, पर जब वो फोन पे कह रहा है कि मैं जल्दी आऊंगा, तो मेरा ये पूछना मुनासिब नहीं लगा मुझे। हद ही करते हैं ना आप भी आशिम से। तुम्हें मौके की नजाकत का पता नहीं है ना। जुनैरा को नहीं बताना चाहिए था एमन के बारे में, पता नहीं माँ बाबा क्या क्या अंदाजे लगा रहे होंगे। सुन, तूने घर वालों को बताया कि तूने जॉब छोड़ दी?
नहीं जाऊंगा तो बताऊंगा ना। वाह बहुत अच्छे, कब जा रहा है? बताया तो है कि मैं इमन को उस वकार के रहमो करम पे छोड़ के नहीं जाऊंगा। हाँ उसका मतलब तू कभी समझने नहीं वाला। शायद शायद जो तू मुझे समझाना चाहता ना फराज समझना ही नहीं चाहता। ठीक है भाई जैसी तेरी मर्जी। हेलो इमन तुम वो वकार दे गई नहीं? नहीं हमने अपना प्लान थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया है और अम्मी ने तुम्हारी वजह से अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। माहीन मैं अम्मी से बात कर लूँगी लेकिन इस वक्त मैंने तुम्हें किसी और काम से फ़ोन किया है। हाँ बोलो। वो नजमा खाला का नंबर चाहिए मुझे। क्या? प्लीज़ माहीन और ये मत पूछना कि मैं तुमसे नंबर क्यों मांग रही हूँ। लेकिन आखिर क्यों? खाला से तुम्हें क्या काम है? मैंने कहा ना मैं तुम्हें वजह नहीं बता सकती माही। लेकिन ईमान लेकिन अगर तुम्हें नंबर नहीं देना तो तुम मत दो। अच्छा मेरी बात सुनो। बोलो। मेरे पास खाला का नंबर नहीं। मैं तुम्हें सेंड करती हूँ लेकिन हो सकता है कि अब तक उनका वो नंबर बदल चुका हो। तुम्हारे पास जो भी नंबर है तुम मुझे वही दे दो। अच्छा ठीक है मैं इंतजार कर रही हूँ मुझे मैसेज कर दो प्लीज। गलती से भी घर में किसी के सामने इस बात का जिक्र मत करना। ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम नजमा खाला ईमन बात कर रही हूँ। जी मैंने आपसे बहुत ज़रूरी बात करने के लिए फ़ोन किया है। मुझसे बात करने के बाद मेरे नंबर मत सेव कीजिएगा प्लीज़। तुमने क्या बात करनी है मुझसे? मैंने बात करनी थी तुमसे। ईमन शादी के बाद भी तुझे चैन नहीं पड़ता? खाला अली पहले ही बहुत रुसवा हो गया तुम्हारी मोहब्बत में, अब तो खुदा के लिए उसे आजाद कर दे। आप ज्यादती कर रही हैं मेरे साथ। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हूँ। आप प्लीज अली को समझाएं कि मेरी जिंदगी अजाब मत बनाए। तुम क्यों नहीं समझाती उसे हैं? तुम दोनों ही मिलके ना सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हो। इमन तू शादीशुदा है। मेरे इकामत को पता लगा ना एक मिनट बर्दाश्त नहीं करेगा वो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ खाला। आप प्लीज अली को समझाएं, उसे वापस बुला लें, उसे समझाएं कि मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब ना करे। वो क्या चाहता है? तो वही चाहता है जो वो पहले चाहता था, लेकिन उसे ये समझ में क्यों नहीं आ रहा? जब मैं पहले उसकी मोहब्बत का मान नहीं रख सकी तो अब कैसे हाथ थाम सकती हूँ? ईमन ईमन अली की बातों में आके अपनी जिंदगी नहीं खराब कर लेना बेटा। तो आप उसकी शादी क्यों नहीं कर देती खाला? नहीं मानता पुत्र, नहीं मानता। बहुत समझाया है उसे, जुनैरा को तो जो जानती है ना, जुनैरा से शादी करना चाहते हैं अली की हम। सुन रही है ना इमन? जी इमन तू बात करके देख, मेरी तो बात ही नहीं सुनता वो। फोन क्यों काट दिया था? इमन अली से बात करेगी ना? इमन एक माँ के इल्तिजा मान ले बेटा। अली तेरी बात सुनता है, सारी बातें मान लेगा तेरी, समझाना उसे बेटा।
वकार, मैंने बस खालस से ये बात करने के लिए फोन किया था कि वो अली को समझाएं। आज के बाद तुम सेल फोन और लैपटॉप यूज नहीं करोगी, समझ आई है तुम? और एक और बात, तुम इस घर से बाहर कदम भी नहीं रखोगी। डू यू अंडरस्टैंड? जी। अली भाई जी, मैंने आपको गोश्त और दही के पैसे दिए थे, वो आप लिया है? जी लिया है। खुला। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। बस भी कर दो, बस खत्म करो इसे। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मम्मा कहाँ हैं? अंदर हैं। सुनो क्या बात है, तुम्हारा मूड आज बहुत ऑफ है। नहीं तो मेरा मूड ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। खैर फिक्र तो नहीं कर रही मैं, लेकिन मूड तो है तुम्हारा खराब। वो और बात है कि अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो फिर ऐसे ही समझ ले। एक बात मैं तुम्हें समझा देना चाहती हूँ। देखो ये इतना बड़ा घर है और इसमें सिर्फ 3 लोग रहते हैं। काशांग तो ऑफिस चला जाता है, तुम और मामा अकेले रह जाते हो। उनका ख्याल रखा करो, ठीक है? उनको तुम्हारे अटेंशन की, तुम्हारे ख्याल रखने की जरूरत है। क्या तरीका है ये कि मामा पता नहीं अंदर कहाँ है और तुम यहाँ बाहर खड़ी, ना जाने मौसम एंजॉय करने आई हो या क्यों खड़ी हो यहाँ? मैंने उन्हें मजबूर नहीं किया कि वो अंदर बैठे, और मैं यहाँ कोई मौसम एंजॉय नहीं कर रही थी। मैंने अली भाई को पैसे दिए थे तो उनसे पूछ रही थी कि वो गोश्त ले आए कि नहीं। और मुझे एक और बात बताओ, अगर मेरा दिल घबराए तो क्या मुझे इतना हक नहीं है कि मैं ताजा हवा लेने के लिए बाहर आ जाऊं? है, बिल्कुल है, लेकिन इस घर में ऐसा क्या हो सकता है जिससे तुम्हारा दिल घबराएगा? अभी प्लीज, मेरा आपसे अभी कोई बहस कम नहीं। बहस कौन कर रहा है? मैंने तो एक सादा सा सवाल पूछा है कि भाई तुम्हें इस घर में किसी चीज की कमी हो या ऐसा क्या हो जाएगा जो तुम्हारा दिल घबराएगा? तुम मुझे खामखा का एटीट्यूड दिखा रही हो, पता नहीं क्यों। सर सुन रहे हैं तो सुने, यहाँ पे दूसरे इंसान को समझने वालों की कमी, यहाँ पे दूसरे इंसान के ऊपर एतबार करने वालों की कमी। सुनिए आप, कैसी हैं आप मम्मा? ठीक हूँ भाई, तुम्हें टाइम मिल गया मेरे पास आने का? सॉरी मम्मा, वैसे जब मैं आती हूँ तो आप मुझे डांट के वापस भगा देती हैं, और जब नहीं आती हूँ तो मिस करती हैं। तो डांटने का ये मतलब तो नहीं कि तुम आओ ही ना। अच्छा सॉरी, अब आया करूंगी। वैसे भी जो कुछ इस घर में हो रहा है मुझे तो चक्कर लगाते रहना चाहिए था। कि मम्मा आप भी अजीब हैं, आप मुझे फोन पर बता देती। क्या? यही कि माहीन आपको बहुत परेशान कर रही है। तुम्हें कैसे पता चला? मामा उसने मुझे बताया, बाहर मिली थी मुझे। कितनी लंबी जबान है उसकी, मैं तो हैरानी रह गई। मेरे सामने आपकी और काशान की इतनी बातें की उसने, इतनी बुराइयां की कि बस। क्या कहा उसने? वो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन मम्मा बहुत हो गया, इस लड़की को ना जरा आप संभाल लें। मेरे सामने ही सारी बातें किए जा रही थी। आप ही, आप चाय पीएंगी? मैं आपके लिए चाय बना दूं? कोई जरूरत नहीं। तुमने तो कहा था कि तुम हमारे बारे में कभी किसी से बात नहीं करती, और ना ही हमारे घर के बारे में। तो फिर नौशीन से क्या कहा है तुमने? हाँ, अब तो तुम डिनाई नहीं कर सकती ना, तुम्हारे सामने बैठी हुई है। और हाँ, मुझे तुम्हारी इस मेहमान नवाजी की कोई जरूरत नहीं। बहुत अफसोस हुआ है मुझे, जो कुछ तुमने मुझसे कहा मामा और काशान के बारे में। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा अभी। ये तो तुम्हारी फितरत में, सब कुछ कह देती हो उसके बाद मुकर जाती हो। मेरे घर में आग लगाने की कोई जरूरत नहीं है।
आंटी, मैं आपके घर में आग लगा रही हूँ? मैं? जहन्नम बना दिया तुमने मेरे घर को। पहले मेरे बेटे को फंसाया, उसके बाद जब मैंने उसे रोकना चाहा तो मेरे मुकाबले आकर खड़ा कर दिया। मैं तो सोचती थी शायद मेरा बेटा जैसे तुम्हें मासूम समझता है, शायद तुम मासूम ही हो, लेकिन नहीं, तुमने तो अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। मम्मा प्लीज, शी इज टू मच। मम्मा प्लीज, आप ना इसकी फैमिली से अब बात कर लें। इनफ इज इनफ। क्या बात करूं उनसे? उन लोगों की वजह से तो इसकी जबान इतनी लंबी है। खैर तुम छोड़ो सब कुछ। चलें ठीक है, मैं ही काशान से बात करती हूँ। अच्छा छोड़े ना इन दोनों को, मैं और आप ना कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, मेरा तो फिलहाल कोई मूड नहीं हो रहा। तो तभी तो कह रही हूँ, आपका दिल भी ठीक हो जाएगा, मूड भी अच्छा हो जाएगा, हम दोनों कहीं चलते हैं, घूम फिर के आते हैं। ओके चलते हैं। क्या बात है, बड़ी जल्दी फारिग हो गई तुम कामों से? आज बहुत परेशानी हो रही है मुझे। तो इसमें नहीं क्या बात है, तुम तो अजल से परेशान हो। मेरी जान पे बनी और आपको मजाक सूझ रहे। फसाहत, क्या आप मुझे माहीन से मिलवाने ले जा सकते हैं अभी? इस वक्त मेरा फोन नहीं उठा रही, मैं सुबह से उससे फोन कर रही। अरे मसरूफ होगी भाई। ऐसी भी क्या मसरूफियत होगी, मुझे तो लगता है अम्मा बिल्कुल ठीक कहती। क्या क्या कहती हैं अम्मा? यही कि बेटी गैरों में ब्याह के हम तो बिल्कुल लापरवाह हो गए हैं उसकी तरफ से। अम्मा तो ऐसी ही बातें करती रहती हैं। शुक्र करो तो कि गैरों के घर गई है और फिर भी खुश है। आप कैसे कह सकते हैं वो खुश है? मुझे नहीं लगता वो खुश है। देखो देखो सुरैया, अम्मा ऐसी ही बातें करती रहती है। दरअसल उन्हें बहुत प्यार है माहीन से, इसलिए हर वक्त ध्यान रहता है उसका। उसको तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? ऐसे तुम परेशान मत, मैं तुम्हें सुबह ले जाऊंगा उसके पास, जाइए तुम्हारे सारे वहम दूर हो जाएंगे, मिल लेना उससे, परेशान मत हो तुम। अभी तो देर हो गई, वरना मैं अभी ले जाता तुम्हें। जाओ चाय पिलाओ मुझे। काफी देर हो गई, अभी तक मामा लोग आए नहीं। आप ही ने तो कहा था कि वो लोग डिनर के बाद आ जाएंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं वो लोग। आ जाएंगे, वैसे भी आपकी आप ही का दिल कहाँ भरता है आउटिंग करने से। मैं पहले पता होता तो कुछ प्लान कर लेते। तो अभी फोन कर ले, पूछ ले उनसे कि वो कहाँ हैं और चले जाएं आप। क्या हो गया तुमको? जहाँ भी जाता तो मेरे साथ ही जाती। मुझे कहीं नहीं जाना। सलाम अलैकुम अंकल। वालेकुम सलाम, तुम ठीक हो बेटा? मैं जबरदस्त, आप बताएं। अच्छा बेटा ये बताओ, माहीन कहाँ है? तुम्हारी आंटी कह रही थी कि सुबह से फोन नहीं अटेंड कर रही, बात हो सकती है उससे? इधर ही बैठी है, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम मेरी जान, क्या बात है, अम्मी से नाराजगी है तुम्हारी? नहीं बाबा। बेटा फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही? वो अभी शिकायत लगा रही थी कि तुमने फोन अटेंड नहीं किया उसका। वो मेरा फोन साइलेंट था, आई एम सॉरी, मैं भूल गई। देखो बेटा उससे सुबह बात कर लेना, मुझे तंग कर रही थी कि अभी लेके चलूं तुम्हारे पास, तो मैंने मना कर दिया। फोन कर लेना उसको सुबह। ओके बेटा। जी ठीक है। अच्छा बेटा ख्याल रखना, खुदा हाफिज़।
तुम्हारा फोन वाकई में साइलेंट था? नहीं। फिर झूठ क्यों बोला? सच बोल नहीं सकती ना। कैसा सच? यही कि मैं अपने घर वालों से मिलना नहीं चाहती, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे ससुराल वालों को लगता है कि मैं अपने घर पे जाकर अपने ससुराल वालों की बुराइयां करती हूँ। एक बैड इमेज बनाया हुआ मैंने अपने ससुराल वालों का। यार क्या हो गया तुमको? इतनी छोटी छोटी सी बातों को तुम इतना बड़ा इश्यू बना रही हो। काशान, ये आपके लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए नहीं। मेरे ख्याल में वो लोग आ गए हैं। अब प्लीज उनके सामने कोई ऐसी ऐसी बात मत कर देना। डोंट वेट, मैं बाहर जा ही नहीं रही। मामा शॉपिंग अच्छी हो गई ना हमारी? हाँ। अरे आप लोग आ गए इतनी देर? अच्छा हुआ देर से आए, घर आके करना भी क्या था। इसी बहाने बहुत अरसे बाद मामा ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया। क्या हुआ मामा, सब खैरियत है? हाँ सब ठीक है। काशान बड़ी हैरत की बात है, तुम इस घर में रहते हो और इस घर में क्या क्या हो रहा है तुम्हें पता तक नहीं है। अरे मोशीन, काफी देर हो गई, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। मामा क्या हो गया? मतलब आप भी खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रहेंगी, ये भी चुप रहेगा तो माहिन को समझाएगा कौन? आप ही, अब इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई है यार। देख लिया, इसके लिए ये इतनी बड़ी बात ही नहीं है। क्या हो गया आप दोनों को? वो लड़की इतने इंसल्टिंग बिहेवियर के साथ बात करती है, एटीट्यूड देखो उसका, आप दोनों की पीठ पीछे नहीं, गलत और फजूल बातें की हैं उसने मेरे साथ। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती ये सब कुछ। फिर कोई बात हुई? नहीं नहीं बस छोड़ो, कोई बात नहीं है। आप ही बताएं क्या हुआ। बता तो दिया कि तुम दोनों की पीठ पीछे वो लड़की मुझसे तुम दोनों के बारे में बहुत गलत सलत बातें करती है, और जब मैं उसे मामा के सामने लेकर आती हूँ तो मासूम बन के खड़ी हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मामा I'm sorry, समझाऊंगा उसे। तुम पहले खुद तो समझ लो फिर उसे समझा देना। ठीक है मामा, अल्लाह हाफिज। नौशीन I'm sorry mama. It's okay. क्या क्या इल्जाम लगाए मुझ पर? प्लीज अभी नहीं। अच्छा तो अब आपको भी मेरा बोलना बुरा लग रहा है? क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? तो क्या जरूरत थी यार उनसे बात करने की? मैंने क्या बात की? वो मुझे इसरार कर रही थी, मुझसे पूछ रही थी कि मेरा मूड क्यों ऑफ है, तो मैंने उन्हें बता दिया। कौन सी इसमें इतनी गलत बात है? वाइन, ये सब बकवास ने मेरे घर का सुकून खराब कर दिया। आपका घर है ना? आपका घर। जाहिर सी बात है यार, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से तुम्हें समझाऊं आखिर। बेफिक्र, अब इसकी नौबत नहीं आएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें क्या लगता है कि इन सब के बाद क्या हम अलहदा घर ले लेंगे?
ये मेरा घर है। मालूम है मुझे कि ये आपका घर है काशान, और ये भी मालूम है कि ये आंटी का घर है। अगर ये घर नहीं है किसी का तो सिर्फ मेरा नहीं। तुमने तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। थक गई हूँ काशान, मैं थक गई हूँ। मैं आंटी के हर वक्त के गितारे सुन सुन के कि ये घर उनका है, ये घर उनका है। आज आपने भी चेता दिया ना, ये घर आपका, तो मैं क्यों रह रही हूँ इस घर में, किस हैसियत से रह रही हूँ। मैं ड्राइवर के साथ जाऊंगी बस। क्या कह रही हो तुम यार, ये टाइम देखो, सबको परेशान करोगी तुम। सिर्फ परेशानी होगी, लेकिन एक ऐसे घर में मैं नहीं रह सकती। अच्छा मेरी कोई हैसियत ही नहीं, मैं क्यों रह रही हूँ मुझे नहीं पता। माहिन मेरे फैसले को मेरा पछतावा मत बनो। मेरे साथ रहते हुए भी तो आपका फैसला आपके लिए पछतावा बन गया। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं आ रहा हूं या नहीं। नहीं, हरी